नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। आपके साथ मैं रेनू प्रीति। बात करेंगे उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर। साल 2013 में आई आपदा ने चारधाम यात्रा पर काफी प्रभाव डाला था, लेकिन धीरे धीरे चारधाम यात्रा पटरी पर लौट रही थी। पिछले साल जब कोरोना महामारी आई तो चारधाम यात्रा को बंद करना पड़ा। ऐसे में एक बड़ा आर्थिक संकट उन छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों में आ गया है जिनकी रोजी रोटी चारधाम यात्रा पर निर्भर रहती है। ऐसे में सभी व्यापारी जो चारधाम यात्रा से जुड़े हुए हैं वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ राहत पैकेज उन्हें जरूर दिया जाए। हमारे सहयोगी कुलदीप राणा आजाद की रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में साल 2013 की आपदा ने चारधाम यात्रा की कमर को तोड़कर रख दिया था। आपदा से उभरने में 4 साल का समय लग गया था, जिसके बाद 2017 से लेकर 2019 तक यात्रा पटरी पर लौटी। यहाँ के व्यापारियों को सुनहरे भविष्य की उम्मीद थी, जिसके बाद कई लोगों ने बैंकों से लोन लेकर व्यवसाय शुरू किया। लेकिन लगातार दूसरे साल जारी कोरोना महामारी से चारधाम यात्रा बुरी तरह से प्रभावित हुई है। अब व्यापारियों को बैंकों से लिए गए लोन का ब्याज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। कि उत्तराखंड का तो दुर्भाग्य 2013 में भी देखने को मिला। उसके बाद 2-3 साल फिर यात्रा डंप रही। उसके बाद जो है ये कोरोना, और 2 साल से व्यापारी को नमक रोटी खानी बहुत मुश्किल हो रखी है। सर जी, धंधा इतना चौपट हो रखा है, यात्राएं बंद हैं, व्यवसायी हैं, हमने बैंक लोन ले रखे हैं, कहाँ से हम जीवन यापन कैसे करें? हम तो इतने परेशान हैं। व्यापारी लोग 10 बजे दुए, सुबह 8 बजे दुकान खोलो, 10 बजे बंद करो। अब क्या करें, कोरोना का भी पालन करना है। लोगों को आ रही है, बहुत परेशानी आ रही है, धंधा नहीं चल रहा है, रोड पे आदमी नहीं दिख रहा है। 2013 में केदारनाथ आपदा आई, फिर थोड़ा बहुत चला, फिर बीच में 2 साल से ये कोरोना हो रहा है। इसके चलते जो है हम बहुत परेशान हैं। घर का खर्चा निकालना, बच्चों को पालना बहुत मुश्किल हो रहा है, और फिर तो बंद ही है हमारे। फिर बैंक से लोन ले रखा है, फिर बैंकिंग लोन भी देना है, किस्त कहाँ से दें, बहुत परेशानी झेल रहे हैं हम। मई और जून का महीना चारधाम यात्रा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये 2 महीने कोरोना की भेंट चढ़ गए। बड़े होटल व्यवसायी हों या फिर रेस्टोरेंट, दुकानें या फिर ढाबा संचालक, सभी पर इसका असर पड़ा है। यात्रा पर निर्भर सैकड़ों वाहन चालक और तीर्थ पुरोहित भी बीते 2 सालों से आर्थिक संकट झेल रहे हैं। केदारनाथ विधायक मनोज रावत का कहना है कि यात्रा से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। सरकार ने अगर जल्द ही आगे आकर इन लोगों के लिए राहत पैकेज या फिर मदद नहीं दी तो फिर पानी सर से ऊपर चला जाएगा। ये जो पूरा क्षेत्र है केदारनाथ से लेकर के और हरिद्वार तक और बद्रीनाथ से लेकर हरिद्वार तक, हमारे चारों धामों के जो क्षेत्र हैं, ये सारे यात्रा पर निर्भर हैं और इनको इंतजार रहता है कि कब यात्रा खुले और उनकी रोजी रोटी चले। तो दूसरे साल लगातार यात्रा न चलने के कारण, और ये यात्रा के जो सबसे महत्वपूर्ण महीने हैं, मई और जून महीने होते थे, तो लोगों में निराशा है और आर्थिक स्थिति बिल्कुल चरमरा गई है। और इस समय अगर सरकार आगे आकर के, सरकार ने कोई पैकेज की घोषणा नहीं करी, या इन व्यवसायों से जो यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे होटल मालिक हों, चाहे टैक्सी वाले हों, चाहे ढाबे वाले हों या अन्य लोग हों, उनको मदद नहीं करी, तो मुझे लगता है कि इस समय स्थिति पानी सर से ऊपर चले जाएगा। कोरोना महामारी के कारण उत्तराखंड चारधाम यात्रा से जुड़े हुए व्यवसायियों के सामने आपदा जैसे हालात पैदा हो गए हैं। स्थिति इतनी विकट हो चली है कि जहां व्यवसाय एक तरफ बैंक के ऋण तले दबे हुए हैं, वहीं उनके सामने रोजी रोटी का घोर संकट भी पैदा हो गया है। हालांकि अभी भी बचे हुए दिनों में चारधाम यात्रा के चलने की उम्मीदें बनी हुई हैं। उम्मीद सरकार से राहत पैकेज को लेकर भी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या प्रदेश की लाइफलाइन चारधाम यात्रा वापस पटरी पर लौट पाती है या नहीं, और व्यवसायियों को सरकार से आर्थिक पैकेज मिल पाता है या नहीं। कुलदीप राणा, संवाद 365, रुद्रप्रयाग। जहां एक तरफ व्यापारी सरकार से राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ व्यापारियों को खासा उम्मीद भी नहीं है सरकार से इस साल चारधाम यात्रा को लेकर। दरअसल यात्रा का पीक अप्रैल और मई का महीना होता है, लेकिन इन दोनों ही महीने कोरोना महामारी के कारण यात्रा बंद पड़ी। और वहीं अगर हम बात करें 15 जून के बाद की, तो 15 जून के बाद मानसून लग जाता है, बारिश होती है, ऐसे लैंडस्लाइड का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इन दिनों चारधाम यात्रा का होना संभव नहीं है। अब इस साल केवल अक्टूबर और नवंबर का महीना है जब यात्रा संचालित हो सकती है। ऐसे में देखना यह होगा कि इन दोनों महीनों के लिए चारधाम यात्रा को लेकर सरकार क्या फैसला लेती है।
फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए भी आप देखते रहिए संवाद 365। नमस्कार।